आत्मा की तरह पवित्र आत्मा के भगवान रूपी मेरे सारे किसान बहन भाइयों ने जेपी जाखड़ और फील्ड मार्शल कंपनी की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे किसान भाइयों आज आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में आप पहुंचे हैं होशंगाबाद और जो सिवनी मालवा तहसील में आप पहुंचे हैं। सिवनी मालवा तहसील में पहुंचे हैं तो भाई आज आप अपना परिचय करवावांगे अपने किसान भाइयों ते। नमस्कार भाइयों जी सर, आपका पूरा परिचय दो। अशोक कुमार यदवंशी, हाँ, भांगिया, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, हाँ, नर्मदापुरम। गांव कौन सा बताया? ग्राम भांगिया। ग्राम भांगिया गांव में है अम्ब। और आपके अगल बगल के कौन से गांव हैं? इधर खपरिया है, हलपालपुर है, मोदड़ी, हाँ, है, आयपा है। आयपा जी। और सिवनी मालवा आपकी तहसील है? तहसील है। तो आप आज पूरा पहुंचे हैं भाई और अपने साथ में भाई है। भाई आपका परिचय दो। अमित कुमार यदवंशी। अमित कुमार यदुवंशी जी। तो अमित कुमार यदुवंशी जी हैं। आपका शुभ नाम जी? महेश प्रसाद यदुवंशी। महेश प्रसाद यदुवंशी, आप आज यदुवंशी परिवार में हैं। और आपका नाम जी? विक्रम यदुवंशी। विक्रम यदुवंशी, तो आप यदुवंशी परिवार में भाई आपने दिखावांगे उरा फील्ड मार्शल जो 813 ऑल इन वन सुपर सीडर वह उसके साथ में अशोक भाई ने इस यदुवंशी परिवार ने के काम करे हैं और वह मशीन किस तरीके से चली है, उसके अंदर के खराबी आई है, अगवा आपका उरे इस एरिया में जो काम करे हैं उसके साथ में रोटावेटर इन्होंने बनाया है, अकेली मशीन को इन्होंने चलाया है, तो वो किस तरीके से इन्होंने अपने खेतों में काम किया तो आपने दिखावांगे। साथ में पूरा कंप्लीट जो सुपर सीडर की हम बात करा वो नहीं है, अलग अलग दिखावांगे। खेत में जो छड़ाई मचाई का जो काम है वो भी करेगी मशीन और अलग से जो सीडर मशीन है वह अलग अलग पार्ट में आपने दिखावांगे। तो अब दिखाना हुआ एक जो मशीन है अपनी ड्रिल मशीन जी सर, जो डिस्क ड्रिल है मेरे किसान भाइयों परली तरफ को लेके चलांगे। और बने रहियो इस वीडियो ने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो मेरे किसान भाइयों, क्योंकि बहुत सारी जो जानकारी है आप इसे चैनल के माध्यम से मेरे किसान भाइयों आप लग पहुंचावा। हाँ, ईबिया पूरे देखो मेरे किसान भाइयों, या पूरी मशीन दिखाओ भाई एक बार, तो ये पूरी मशीन कवर करो इस साइड में, क्योंकि भाई अपनी जो नाजदाना की है, खाद की है, ट्रॉली आगे खड़ी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं छोटी सी जगह में यह मशीन आपकी पार्किंग हो जाए, छोटी सी जगह में पार्किंग हो रही है, छोटी सी जगह में हो रही है पार्किंग सर। हाँ, तो ये जो आप देख रहे थे पहले मशीन ने देखा, कहाँ देखा आपने ये? आपने ब्लूटूथ पे देखा? यूट्यूब पे देखा? हाँ, चैनल पे देखा। इसके बाद पिपरिया जानकारी इधर पहले आ जाओ, इधर आ जाओ। तो आपने इसको यूट्यूब पे देखा था पहले? जी सर। अच्छा, इसके बाद वो इधर पिपरिया सुहागपुर पिपरिया तरफ दी थी, उनसे जानकारी ली। अच्छा, इसके बाद हमने फिर सर से बात की। हाँ हाँ, तब जानकारी मिली, इसके बाद हमने फिर ये सुपर सीडर ले लिया। अच्छा, तो ये जो आपने मशीन चलाई तो आपका अनुभव क्या रहा है आपने सर? रोटर वेटर से बहुत अच्छी चलती है हमारे इधर, ज्यादातर रोटर वेटर चलते हैं 7 फीट के 6 फीट के। अच्छा, उससे ये चलने में बहुत मतलब अच्छी चलती है। ये 8 फीट की चलती है जी। और 8 फीट की जो एक कंपनी दावा करे है कि दोनों के दोनों जो लीवर हैं वो बिल्कुल लॉक कर दो, ये ट्रैक्टर ने लोड नहीं देवेगी, तो ये इसने ट्रैक्टर पे लोड दिया या नहीं दिया? नहीं दिया सर, ये दोनों लीवर नीचे करके चलाओ, अच्छी गहराई लेके चलती है। अच्छी गहराई लेके चलती है। अच्छा, एक दूसरे हम रोटावेटर की बात करें, आम रोटावेटर जो चल रहा है उसके मुकाबले में आपका जो रोटावेटर है वो मिट्टी कितनी देर में बना देता है, कैसी बना? बिल्कुल बारीक बना देता है, उसको डबल या ट्रिपल फेरो तब भी इसके बराबर नहीं बारीक कर पाए। एक आम रोटावेटर को हम डबल ट्रिपल भी फेरांगे खेत में चलावांगे तो वो तब भी मिट्टी इतनी बारीक नहीं बना पाओगा जितना यू आपका फील्ड मार्शल जो सुपर पावर प्लस रोटावेटर है वो एक बार में बना देगा, एक बार में बना देगा। तो ये देखे मेरे किसान भाइयों, उरा पे पहुंच रहे हैं एमपी मध्य प्रदेश में, तो आप का क्या रहा होगा जी, आप बताओ मशीनें जो चली हैं क्या क्या इसके साथ बुवाई बुवाई कही है? इसके साथ मूंग की बुवाई करी है। मूंग जी और गेहूं की भी सूखे में बोनी करी थी, बहुत बढ़िया बना। अच्छा, इसकी कतार से जो कतार की दूरी है, हाँ हाँ हाँ, और गेहूं जो उगते हैं, हाँ हाँ, वो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, इसमें ये भी बता रहे थे हम डबल भी बिजाई कर देते हैं। हाँ, डबल क्रॉसिंग
जी क्रॉसिंग कर देते हैं। क्रॉसिंग किस वजह से करते हैं? क्रॉसिंग ये क्या है कि जो दाने कुछ कम पड़ते हैं, खाद मिला हुआ, हाँ। तो उससे डबल करने से यानी अच्छे हो जाता है। तो ये देखिए मेरे किसान भाइयों, कई बार क्या हो है, डबल क्रॉसिंग बिजाई काफी जो जमीनें हैं, धरती माता है अपनी, उनका क्या अगर वे बीज रख ले हैं, तो अगर बीज कितना डालते हो प्रति एकड़? बीज डालते हैं हम सर, धान वाले खेत हैं तो उसमें क्या है, जर्मिनेशन कम होता है, तो उस वजह से हम 1 क्विंटल 30 किलो एक एकड़ में। तो ये देखिए भाई, हरियाणा पंजाब में अगर हम बीज डालेंगे वो 40 से 50 केजी प्रति एकड़ हम बीज डाला, लेकिन यहाँ उनसे डबल डबल बीज हो गया है, 130 किलो प्रति एकड़। तो इसमें भाई अच्छी जो पैदावार है वो लगभग कितनी पैदावार आपकी हो जाती है? ये गेहूं जैसे 130 किलो बोते हैं, हाँ, तो इसमें 18 से 20 क्विंटल निकल जाते हैं, 18 से 20 क्विंटल। पैदावार वही अपने हरियाणा में है, 20 से 22-23 क्विंटल प्रति एकड़ निकल आती है। अच्छा, इसको अलग से आपने ड्रिल को चलाया जी, एक बार ये देखो भाई, जो हम बताया करा मेरे किसान भाइयों भाई, इसकी जो डिस्क ड्रिल है जो ये बन जाएगी, तो आज मौका पे अपने इस किसान भाई ने डिस्क ड्रिल को अशोक भाई ने बनाया हुआ है, यदुवंशी ने, तो इसके साथ में कौन कौन सी बिजाई की? इसमें सर गेहूं की बिजाई की है अभी, और मूंग की बिजाई की है। अकेली डिस्क ड्रिल से? डिस्क ड्रिल से सिर्फ गेहूं की बिजाई की, सिर्फ गेहूं की। तो अकेली डिस्क ड्रिल से या पूरी कवर करके दिखाई भाई, और इस अशोक जी इसके जो ये पीछे वाली नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इधर से कर लेंगे भाई। इस मशीन से क्या बिजाई किया आपने? इससे अभी कुछ नहीं की सर। अच्छा, इससे कोई कुछ भी बिजाई नहीं किया है? नहीं। जो पीछे की जो ऑल इन वन है, इसके साथ में कोई बिजाई नहीं किया। कितना समय आप लोग? ये सर हमको हो गया, साल भर हो गए। साल भर हो गए। तो मेरे किसान भाइयों, पूरा आवेगी तोड़ के बाद, मैं पूरा 1 साल हो गया इस मशीन ने, तो 1 साल के दौरान बेझिझक कोई भी मेंटेनेंस, ये बताओ आपकी मशीन में किस प्रकार का मेंटेनेंस? नहीं, अभी तो कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ सर। कोई मेंटेनेंस नहीं, क्योंकि बहुत सारे किसानों के एक सवाल रहते हैं, एक समस्या रहती है भाई, अगर इसके अंदर कोई मेंटेनेंस आ गया तो क्या करेंगे? क्योंकि कंपनी भी एक विश्वास दिलाती है, अगर कोई मेंटेनेंस होता है, सर्विस टीम आपकी खेत के अंदर पहुंच जाती है। तो मेरे किसान भाई, उस दौरान में अपना जो किसान भाई एक समस्या रहती है, बिल्कुल जो तोड़ के हम बात करेंगे, पूरा 1 साल, 1 साल हो गया जी सर, 1 साल पूरा 1 साल मशीन को चलाते हुए हो गया आपकी फील्ड मार्शल 813। और फील्ड मार्शल 813 ने जो काम तो बताए अशोक यदुवंशी जी ने, लेकिन मेन बात पावांगे आप ही, एक खास जो एक सवाल भी रहा है, एक समस्या भी रहा अपने किसान भाई को, और एक सस्पेंस रहता है, वे कहीं ना कहीं कल न कोई इस मशीन का कुछ बिगाड़ हो जाता है, कोई मेंटेनेंस हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस बताओ इस मशीन के अंदर, तो अभी सर वैसा कुछ भी नहीं लगा अपने को, कोई साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कंपनी बोलती है बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस चलेगी मशीन, और खुल के चलेगी, ट्रैक्टर पे लोड नहीं देगी, क्या वो बातें बिल्कुल आपको सही लगी? बिल्कुल सही लगी, बिल्कुल सही लगी। तो अपने किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि ये अच्छी मशीन है और लोड फ्री चलती है। कितनी अच्छी मशीन है, बिल्कुल बेझिझक। बहुत सारी कंपनियां है ना, बहुत कुछ बोल देती हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और होता है, सच्चाई बता दे। रोटावेटर से तो अच्छी चलती है सर ये। क्या चलने में मतलब लोड फ्री चलती है। लोड फ्री चलती है। तो मेरे किसान भाइयों, और क्या कहना चाहोगे अपने किसान भाइयों ने? इसको एंड करांगे फिर आप जी, खेत में लेके चलांगे फिर अपने किसान भैया ने। तो हमें आपने लेके चलांगे फिर मेरे किसान भाइयों, जो अलग से इसका रोटावेटर खेत में जो चलता है, और वो जो छड़ाई मचाई करता है, गढ़ाई करता है, पाड़े का ट्यागरा जो कद्दू करे, तो आप उस खेत में आपने लेके चलांगे। तो क्या कहना चाहोगे लास्ट में अपने किसान भाइयों को? बहुत सारे जो किसान भाई हैं अगल के बगल के, लेना चाहते हैं अपनी इस फील्ड मार्शल 813 को, तो वो उन्होंने अव्वल ये मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, अच्छी मशीन है, चलने में अच्छी चलती है, ये और कंपनी की बजाय सबसे अच्छी चलती है चलने में। खुलने का सिस्टम भी बिल्कुल 5 मिनट में हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेती है। अच्छा, लगने में भी दिक्कत नहीं आती है, खुलने में भी सीढ़ी अलग चल जाती है। अच्छा, एक और जो हम बोलते हैं भाई, हमारा किसान ऊंचा नीमा बीज इसका खाद छोड़ सकता है, तो क्या छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ सकता है, सेव करार हो जाती है, टापलिंग लगी हुई है, टापलिंग से सेव कर लो, करार कर लो, जैसी चाहे मतलब बीज ऊपर डालना है तो करार कर लो। हाँ हाँ,
ऊपर जाएगा दाना, और गहरे में डालना है तो सेव कर लो, गहरे में जाएगा। तो ये तो थी भाई जो डिस्क ड्रिल है, इसकी जानकारी मेरे किसान भाइयों। ई बाप ने लेके चलांगे जो छड़ाई मचाई का खेत है वहां पे। और भाई यह वीडियो आपने कैसी लगी मेरे किसान भाइयों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। और कैमरामैन है बंसीलाल जी के साथ भाई दियो, हमने इजाजत। राम राम, धन्यवाद।